हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिले। सो गाइस, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, जो कि उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है और क्या कॉन्फिडेंस है उनका और कितने दिन उन्होंने मेरे पास कार सीखी है और आज वो कौन सी कार चलाने वाली हैं अपनी। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता, और कितने डेज आपने मेरे पास कार सीखी है? मैंने 13 डेज सीखी थी। ओके, और अभी 2 डेज बचे हैं तो मैंने कहा मेरे कार में सीख ले। ओके, तो एक्चुअल में क्या, इनके पास मारुति 800 है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, किसी टाइम में बहुत उमदा गाड़ी कही जाती थी, ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, चली नहीं है, बहुत ही वैसे ही रखी हुई, बट है इश्यूज़ क्या है ना, क्योंकि इनका जो रैम पे बहुत ही मतलब टैपर है, डाउन में है, क्योंकि चढ़ाई आप देख सकते हैं ना, ये अब बहुत ज़्यादा डाउन है, ये देख रहे हैं, ये एकदम से नीचे 4 फीट के आसपास नीचे डाउन है, स्पेस नहीं है घर के सामने, गाड़ी जैसे नीचे डाउन करेंगे तो गली थोड़ी पतली है, मैम थोड़ा साइलेंट कर दीजिए उसको, पतली गली है और इसलिए स्पेस बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये गाड़ी निकालने और रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे कि आप देखेंगे ना, तो ये यहाँ से ये गाड़ी इनकी इतनी हाइट पे खड़ी है स्पेस, तो आज मैं इनको बताऊंगा कि कार को कैसे निकालना है और कैसे रखना है, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा स्लोप है तो कैसे कार को निकालना और कैसे रखना है। तो बात कर लेते हैं मैडम से कि अभी तक इन्होंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, तो आइए मैम। गाड़ी बहुत कम चली है अभी, मुझे लग रहा है कितने किलोमीटर चली है ये, 15,000 चली है और गाड़ी है ये लगभग, मुझे लग रहा है 2004 है ना, 2004 मॉडल, एकदम वैसे की वैसे रखी। सीट एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा और सीट आगे कर लीजिए, पैर जा रहा है आपका प्रॉपर, ठीक है, अभी सीट बेल्ट डाल लीजिए। सीट बेल्ट लग गई आपकी? हाँ, मेरे को ना क्लच और इसका एक्सेलरेटर का बिल्कुल भी आइडिया। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्लच दबा के एक दो बार देखिए और राइट वाला पैर एक्सेलरेटर और ब्रेक, एक्सेलरेटर इतना ज्यादा नहीं दबाना है, बहुत हल्के हाथों से, ठीक है। हाँ, ब्रेक ज्यादा दबाना पड़ेगा मतलब। हाँ, पावर ब्रेक है, ब्रेक भी ज्यादा नहीं दबाना है, डिस अगले दोनों, ठीक है। अभी सीट एकदम आपकी आगे, पूरा क्लच दबाइए जरा, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है सीट आगे और करनी चाहिए, थोड़ी सी सीट आगे कर लीजिए, ठीक है ना, हुई आगे, मुझे लग रहा उतने पे ही है या आगे हुई है, आगे हुई है, बस हुई है, ठीक है। राइट वाला मिरर अपना सेट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, जो आपको बैक साइड दिखे और गाड़ी की डिग्गी भी दिखनी चाहिए आपको, आपके शीशे में गाड़ी की डिग्गी भी दिखनी चाहिए, दिख रही है? और इस लुकिंग ग्लास को सेट कर लीजिए, ये जो लुकिंग ग्लास ये वाला, इसको सेट कर लीजिए, इसमें भी आपको दिखना चाहिए। देखिए काफ़ी ऊंचा स्लोप है ना, तो इसमें करना क्या है, गाड़ी को बहुत ही धीरे धीरे चावल, यहाँ एक्सेलेटर की नीड नहीं है, सबसे पहले इसको इंजन को ऑन करिए, राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहना चाहिए और पूरा पैर नहीं उठाना है, जैसे इधर देखो ऐसे, ये ब्रेक इधर इधर, ब्रेक एक्सेलेटर, यूँ पैर चलेगा, पूरा पैर उठाएंगे तो मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उतर के भागने के अलावा, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपका राइट वाला पैर फुल टाइम ब्रेक पे रहना चाहिए, एक्सेलेटर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्लच दबा के इंजन ऑन करो, प्रभु का नाम लेके, गुड, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए हैं, आप इतना घबरा क्यों रही, मुस्कुराइए, लखनऊ में आप इतने दिन, गाड़ी कितने दिन सीखी है मेरे पास? 13 दिन, जिसमें से मैंने कितने दिन सिखाया आपको? 5 डेज ज़्यादा सिखाया मैंने, फाइव डेज मैंने सिखाया, हाँ। बाकी 8 डेज मेरे ट्रेनर ने सिखाया, हाँ। ओके, तो इतना घबरा क्यों रही हैं, आपके साथ जितने लोग थे सब सीख के एकदम पहुंच गए अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। अभी गाड़ी कौन सी गियर में है, कुछ आइडिया है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है अभी, ये फर्स्ट गियर में है, हल्का सा पीछे करो, हल्का सा, देखो इसमें क्या है ना, एक चीज़ बताता हूँ, इसमें प्ले है, हटो थोड़ो ये, क्योंकि ये देखो, ये 4 गियर की गाड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और रिवर्स मिला के 5th, अदरवाइज 4, तो इसका इशारा करेंगे ये, देन पहला गियर हो गया, ठीक, फिर न्यूट्रल, फिर इधर ला के
ये सेकंड गियर, फिर न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रल छोड़ोगे अपने आप ये थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन पे पहुंच जाता है, तभी आपको फर्स्ट गियर डालना है। चलो हो गया, अभी थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाना। हाँ फर्स्ट है, थोड़ा सा आगे, राइट वाला पैर ब्रेक पे, ब्रेक दबा तो नहीं रखा है आपने? नहीं दबा था, इतना ही काफी है ब्रेक, जितना आपने दबाया था ना इतने में गाड़ी रुक जाएगी। अभी धीरे से क्लच छोड़ो, एडी को हवा में मत आने देना, एडी को वहीं रोक के रखो, एडी को वहीं रोक के रखो और घबराना नहीं है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, बस जितने में गाड़ी रेंगने लगे उतने पे क्लच को होल्ड कर देना। आपने तो पावर स्टीयरिंग से सीखा है, ये मैनुअल है। अभी पता चल जाएगा कि गाड़ी कितने, अब देखो गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, हो गई। अब इससे ज्यादा क्लच आपको नहीं छोड़ना है, इसको बोलते हैं चावल चावल, चावल चावल गाड़ी जा रही है, धीरे 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 एकदम हल्का सा 1% और बस वापस आपने दबा लिया, छोड़ना है आपको। अच्छा, हाँ जाने दो, और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, अभी स्पेस है आपके पास, और जाने दो, और स्टॉप, पूरा क्लच देन ब्रेक, क्लच पूरा नहीं दबाया मैडम आपने। अच्छा, पूरा ये पूरा दब जाना चाहिए गाड़ी को, प्रॉपर इंजन को फ्री करना है तो पूरा क्लच, अभी 1 फीट और बढ़ानी गाड़ी आपको, ठीक है? तो ब्रेक से पैर हटाना, ब्रेक पे पैर रहेगा बट ब्रेक जो दबाया उसको छोड़ देना है। हाँ बस अभी क्लच को फिर रिलीज करो, बस हमें ये सीखना है कि हमें कितना क्लच छोड़ने पे गाड़ी हमारी गियर में एक्टिव हो जाती है। जाने दो धीरे से, अभी गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो गई है, ठीक है? हो गई, जाने दो, घबराओ मत। हाँ, अब पूरा क्लच दबाओ, अभी और स्पेस है आगे आपके, देखो जाने दो। अच्छा, अभी 1.5 से 2 फीट स्पेस है, घबराओ मत, डरो मत, जाने दो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। हाँ चलो 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 चलो, और अब पूरा क्लच और ब्रेक स्टॉप, बस अब स्पेस नहीं है। नहीं। अब जो कूलर है, कूलर का जो नीचे स्टूल है स्टैंड, और आपका बोनट एकदम सटने वाला है। अब आपको क्या करना है, रिवर्स गियर डालो, इसको पहले न्यूट्रल करो। देखो श्वेता जी एक चीज बताता हूँ, जिस देखो ये इस तरफ से ऐसे गियर डाला ना तो आपको निकालना भी इसको इसी तरफ से है, तो स्मूथ आएगा। अगर आपने यहाँ डाला और यू निकाल रहे हो तो गियर फंसेगा, जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते से वापस, फिर ये देन ये रिवर्स, रिवर्स इस साइड आएगा पूरा। चलो पूरा राइट दबाओ, पूरा फुल राइट, अब पीछे को, ये रिवर्स गियर लग गया। अभी आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, सीधी गाड़ी जानी चाहिए, ब्रेक पे पैर हटा दो, ब्रेक पे पैर हमेशा रहेगा, दबाना ना दबाना एक अलग मैटर है, पर पैर हमेशा रहेगा। अगर हम सिर्फ क्लच दबा रहे हैं तो भी हमारी गाड़ी रुक जाएगी ना? नहीं रुकेगी नहीं, इंजन फ्री होगा। अगर गाड़ी ढलान उलान पे तो थोड़ी रुकेगी, गाड़ी ब्रेक से रुकती है, क्लच से जो गाड़ी गियर में एक्टिव है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। अगर स्लोप आगे या पीछे तो बिना क्लच ब्रेक दबाओगे नहीं तो गाड़ी पीछे चली जाएगी। जाओ पीछे, अब क्लच को छोड़ो, नजर आपकी राइट वाले मिरर पे रखो और इस लुकिंग ग्लास पे रखो, ठीक है? जाने दो, जहाँ मुझे लगेगा ब्रेक लगा दूंगा, पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लेना, जहाँ पे भी आपको लगे किसी भी कंडीशन में गाड़ी को रोकना है तो पूरा क्लच देन ब्रेक, पूरे क्लच से इंजन फ्री हो जाए। एकदम स्टीयरिंग सीधा है, 3 और 9 क्लॉक टाइम है ये, एकदम धीरे 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 एकदम धीरे धीरे। हाँ जाने दो, अब आपने रोक दिया एकदम गाड़ी, रोकना थोड़ी है, धीरे धीरे इसको चलाना है, सीधा सीधा चलाना बहुत आसान है, राइट वाले मिरर को चेक करके रखना। हाँ और धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, अभी जैसे पिछले टायर आपके लटकेंगे वैसे पूरा क्लच दबा के, पूरा क्लच दबा लेना जब मैं बोलूंगा, क्लच दबा के ब्रेक भी मार लेना, फिर ब्रेक को धीरे धीरे रिलीज करना। जाने दो पीछे, अभी चलने दो, डरो मत। वही मुझे लगा कि जाओ जाओ धीरे धीरे, घबराओ मत, एकदम घबराओ मत, कूल होके चलाओ एकदम धीरे धीरे, यही चीज तो हमको सीखनी आनी चाहिए ना। हाँ अब पूरा क्लच दबा लो और हाँ थोड़ा सा और पीछे जाने दो गाड़ी, ढलान पे आने दो फिर मैं बताता हूँ। जाओ जाओ घबराओ मत, हाँ और जाने दो, अब पूरा क्लच दबाओ। हाँ बस जा, गाड़ी जा, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ दिया। अभी थोड़ा सा क्लच और छोड़ो, अभी गाड़ी ढलान पे लटकी नहीं है, उसको पीछे स्लोप पे लटकने दो हल्का सा। जाओ जाने दो, थोड़ा सा छोड़ो, इंडियो को नीचे रोक के रखना, टो को इस्तेमाल करना है। जाओ बस अब पूरा क्लच दबाओ, दबा दो क्लच, दबा दो। हाँ ब्रेक मत दबाओ, ब्रेक क्यों दबा रहे हो, ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी। अभी थोड़ा सा और क्लच छोड़ो, अभी गाड़ी नहीं निकल पाई है पूरी तरीके से बाहर। हाँ जाओ थोड़ा सा और जाओ, नज़र आपकी कहाँ है श्वेता जी, बस स्टॉप, ठीक है? हाँ ब्रेक, ब्रेक ही तो लगाना था यहाँ पे। हाँ ठीक है ब्रेक, अब आप मेरे से पूछ रहे हो ब्रेक में लगा दूं गाड़ी जब नीचे उतरी तो आपको ब्रेक, अब धीरे धीरे ब्रेक छोड़ो। हाँ हाँ जाओ जाने दो, नीचे उतरने दो, आपने हैंड ब्रेक लगाया है। आप ब्रेक छोड़ो धीरे 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 धीरे, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, धीरे धीरे और जाने दो, और जाने दो, और जाने दो,
जाने दो पीछे धीरे धीरे, हाँ जाने दो, ब्रेक दबाओ, ब्रेक, हाँ गुड, और थोड़ा सा जाने दो, और ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक और लगाओ, हाँ जाने दो पीछे, हाँ। और जाओ थोड़ा, स्टॉप, बस अब देखो आपके पीछे स्पेस अभी है, हाँ। दीवार वॉल है, यहाँ से नहीं मिरर से चेक करो, अभी थोड़ा सा पीछे और जाने दो, और थोड़ा जाओ जाओ जाओ, छोड़ो क्लच, छोड़ो क्लच, छोड़ो तो छोड़ दो, हाँ तो ब्रेक छोड़ोगे तो अपने आप जाएगी, ब्रेक ही नहीं छोड़ रहे हो आप, ब्रेक दबी हुई है आपकी, छोड़ो ब्रेक, और स्टॉप, बस अब स्पेस पीछे नहीं है, अब पूरा क्लच दबा के रखो और ब्रेक दबा लो, पूरा फुल ब्रेक दबा लो, अब इसको फर्स्ट गियर में करो। सहिता जी अभी मैंने बोला था ना, हाँ अभी फर्स्ट गियर हो गया, अभी आपको ब्रेक नहीं छोड़ना है, अभी हाफ क्लच छोड़ो, जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए तो एक्सेलेरेट करना है, एक्सेलेरेटर करके तब ये चढ़ेगी, देखो कितना ऊंचा है। अच्छा अब आप मुझे चढ़ाना सिखा रहे हैं? चढ़ाना और उतारना सिखा रहा हूँ मैं, आप क्या चाह रहे हैं? ओके ओके, मुझे लगा आप इधर ले जा रहे हैं, नहीं तो आप चढ़ाना उतारना अगर नहीं सीखना तो डायरेक्ट में रोड, सबसे ज्यादा टफ क्या है, रोड पे चलाना है, चढ़ाना उतारना, चढ़ाना उतारना। एक चीज मुझे पूछी, जब आप नीचे ला रहे थे तो आपने हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक इसलिए मैंने ले लिया था क्योंकि आपने टाइम पे ब्रेक नहीं दबाया था, अगर मैं हैंड ब्रेक नहीं लेता तो पीछे भिड़ जाती जाके, आपने टाइम पे ब्रेक नहीं दबाया था, आपको नहीं तो जरूरत नहीं है, नहीं तो जरूरत नहीं है हैंड ब्रेक की। अभी आप धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, ब्रेक से पैर हटा दो, ब्रेक अभी दबाए रहो, जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी तब आप ब्रेक से पैर हटाओगे, छोड़ो धीरे धीरे, अब छोड़ो और थोड़ा, बस अब राइट वाला पैर एक्सेलेरेटर पे ले जाओ, ले जाओ और रेस करो थोड़ा ज्यादा, धीरे धीरे, हाँ जाओ रेस करो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, धीरे धीरे जाओ जाओ जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है ना? था तो बहुत अच्छा, बट आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ये चढ़ाने उतारने के लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जरा सा भी आपने एक्सेलेरेटर दबा दिया ज्यादा ना तो स्कूटी कूलर दोनों सेम हो जाएंगे। अभी क्या करना है? एक सेकंड भी अगर आप लेट हो गए ना ब्रेक दबाने में तो गाड़ी जाएगी। अभी आपने चढ़ाया बहुत अच्छा, ठीक है, और स्टीयरिंग को टाइट नहीं करना था, आपने अभी स्टीयरिंग टाइट कस लिया था, अगर स्टीयरिंग कस लोगे तो घूमेगी कैसे ये? मान लो सपोज करो राइट साइड आपकी स्टीयरिंग कटी है तो कहाँ चली जाएगी गाड़ी? पिलर में टकरा जाएगी, वॉल में टकरा जाएगी, स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ना है, ठीक है? अभी फिर थोड़ा सा आगे जाओ, जाने दो, अभी स्टॉप करो, ठीक। अब मैं आपको इस बार गाड़ी उतरवाऊंगा तो पीछे डायरेक्टली पीछे पूरी निकलवा दूंगा, ठीक है? तो अभी आप इसको न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो। न्यूट्रल, हम फर्स्ट गियर में थे ना? हाँ ये, हाँ अब रिवर्स पे, हाँ ये पूरा ले जाओ राइट, हाँ, हाँ ये, हाँ जाओ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ना है, ब्रेक क्लच नहीं ना? तो ब्रेक नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? सहिता जी सॉरी, चलो नजर कहाँ है आपकी? गियर नहीं लगाए पूरा, क्लच दबाओ, अब लगाए जाओ, मुझे तो लगता है कि जिसको ये आ गया उसको सभी कुछ आ गया शायद। सबसे ज्यादा चढ़ाना और उतारना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं बोलूंगा तो आपको गाड़ी कैसे करना है एकदम चावल चावल जानी चाहिए मैडम। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं कंट्रोलिंग के लिए, बस आपके पास ही है सब कुछ, एकदम धीरे 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 धीरे। नजर आपकी कहाँ पे है? इस लुकिंग ग्लास को आप क्यों नहीं देख रही? साइड मिरर क्यों नहीं देख रही है? मैं साइड मिरर ही देख रही हूँ। जाने दो धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे जाने दो, हाँ करूँ ना? हाँ जाने दो, हाँ जाने दो। अभी जब गाड़ी ढलान पे लटक जाएगी तो वहाँ पे क्लच का कोई काम ही नहीं, पूरा क्लच दबा लो। अब पूरा थोड़ा और आगे बढ़ाने दो, जाने दो थोड़ा स्पेस और जाने दो, तभी ताकि गाड़ी जब मैं बताऊंगा फिर एकदम धीरे धीरे उतारना है, ब्रेक एक सेकंड भी लेट नहीं होना है आपको। अभी और जाने दो, अब पूरा और जाने दो, थोड़ा पूरा क्लच दबा लो, अब ब्रेक दबा लिया, हाँ। अब क्लच नहीं छोड़ना, ब्रेक धीरे, हाँ। अभी अब मैं बताऊंगा, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ो, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, हाँ क्लच और, नहीं छोड़ना है, क्लच नहीं छोड़ना है, बस धीरे और जाओ, धीरे धीरे और धीरे धीरे, अब और अब रुको, अब राइट काटो स्टीयरिंग, स्टॉप करो पहले गाड़ी, स्टॉप। क्या सहिता जी आपने क्या सी, स्टॉप कहाँ से होती है गाड़ी जरा बताइए? नहीं स्टॉप कहाँ से होती है? ब्रेक से मैडम। इंजन किसने बंद करने को आपको कहा था? मैंने तो नहीं कहा इंजन ऑफ करने के लिए, मैंने तो आपको गाड़ी स्टॉप करने के लिए कहा था ना। अब क्या करूं? क्लच इंजन ऑन करो, क्योंकि बंद गाड़ी पे ब्रेक काम नहीं करता, जल्दी से इंजन ऑन करो, ब्रेक दबाए रखो, हाँ अब धीरे धीरे, अब राइट काटो पूरी स्टीयरिंग,
राइट काटो, फटाफट जल्दी जल्दी काटो, जल्दी जल्दी मैडम, अभी इतना तो 2-3 साल लग जाएंगे आपको काटने में, फिर पूरी फुल काटो, फुल 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 फुल, नहीं कटी है, फुल फुल काटती, अब काट दी, और काटो, बस इतनी कट रही है, बस लास्ट है, अब धीरे धीरे पीछे जाना, एकदम धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, चलो घबराओ मत, ब्रेक छोड़ो, सिर्फ क्लच की जरूरत नहीं, क्लच दबाए रहना, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ो, छोड़ रही हो, कहाँ छोड़ रहे हो आप, छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ा तो मैंने ब्रेक, छोड़ दिया, तो अब थोड़ा सा क्लच भी छोड़ो, बहुत ऊंचा रैंप है आपका और स्पेस भी नहीं है घर के पीछे, जाओ अब नीचे क्या देख रही हैं आप, नीचे क्या देख रही हैं, बस पूरा क्लच दबा लो, ब्रेक, हाँ अब धीरे धीरे ब्रेक छोड़ो, धीरे धीरे धीरे, अच्छा धीरे धीरे जाने दो, हाँ जाने दो, और जाओ, और जाओ पीछे, और जाओ, जाओ छोड़ो क्लच, छोड़ो धीरे धीरे, क्लच नहीं ब्रेक ना, क्लच छोड़ो कि तभी तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो, पहले क्लच छोड़ो फिर ब्रेक छोड़ो, जाओ पहले क्लच, जाइए मैडम, धीरे धीरे छोड़ो, जाओ और जाओ धीरे धीरे, और थोड़ा स्टॉप, बस अब पूरा क्लच दबा रखा है, अब पहले स्टीयरिंग पूरी बाएं काटो, मेरी तरफ ताकत लगा के जल्दी जल्दी, ब्रेक हटाऊं, अभी कुछ नहीं हटाना है, सिर्फ गाड़ी स्टीयरिंग काटो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी फुल काटो, फुल फुल कट गई, नहीं कटी है फुल मैडम, नहीं कटी है, और काटो, और मैनुअल है ना, अब कटी है फुल, छोड़ो स्टीयरिंग छोड़ो जरा, अब कटी है, अब इसको इधर रोक के रखो, ऐसे रोक के रखो, अब इसको पहला गियर करो, हाँ अब क्लच छोड़ो धीरे धीरे, जाओ क्लच छोड़ो, डरो मत, ब्रेक नहीं छोड़ो, पहले हाफ क्लच छोड़ो फिर ब्रेक से पैर हटाना, गाड़ी बढ़ जाएगी, ओके जाने दो धीरे धीरे, हाँ जाओ धीरे 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 धीरे, ब्रेक नहीं दबाना है, जरा सा भी ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए, अच्छा, ब्रेक छोड़ो, छोड़ो ब्रेक, हाँ बस अब सीधी करो स्टीयरिंग, हाँ बस 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 सीधी करो स्टीयरिंग, बस चलो यहाँ से लेफ्ट जाना है, छोड़ो क्लच, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं सहता जी, और कोई बात नहीं है, देखो कंफ्यूज होंगी तो रोड पे गलत कांड कर देंगी, करना कुछ और होगा, कर कुछ और दोगे, हमारे घर के आसपास लोग ऐसे हैं ना कि नहीं नहीं वो बात है, ठुक गई ना तो, अच्छा टेंशन में ठुकेगी या कूल माइंड से, ये बताइए, वो सर हमारा ना, वो आपकी बात सही है, टेंशन में ठुकेगी तो आप टेंशन लेके चलाओगी तो ठुकनी, अब सीधा निकाल लो जैसे, क्योंकि इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो इसमें मैं बताने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता हूँ, सिर्फ बताने के अलावा, अब अपना लेफ्ट आ जाओ, हाँ जाने दो धीरे धीरे, हाँ और आप थोड़ा घबरा रही हैं, आप पैनिक मत होइए, जितना कूल माइंड से चलाएंगी, जो आपके हालात थे सीखते टाइम ना, अगर अदर जगह आप कहीं गए होते तो जो आज ये आप अकेले बिना किसी सपोर्ट के चला रही हैं पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपकी हालत ऐसी थी ना टर्निंग के टाइम आप जैसे घबराती थी, एक आप एक वो जो बैंकर आता था माना सिटी वाला, वो चला रहा है इस टाइम राइटर को, हाँ वो चला रहे हैं, अच्छा। बाकी आप चला भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें देखिए प्रैक्टिस मेन है, मेन रोड पे चलना है या गलियों में चलाना है, मेन रोड पे चलते हैं, मेन रोड पे संभाल लेंगी आप, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं संभालने के लिए, इसमें ध्यान रखिएगा, आगे से लेफ्ट ले लीजिए, राइट दबा के लेफ्ट काटना, हाँ बस जाने दो, अभी यहाँ से हमें राइट चलना है, राइट का सिग्नल, हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश किया करो, क्योंकि और आप ना श्वेता जी स्टीयरिंग बहुत हार्ड पकड़ती, मैंने कई बार समझाई, राइट ज़्यादा काट दिया आपने, अच्छा सॉरी मुझे मत कहिए, गाड़ी आपकी है चला आप रहे हैं, ठीक है संभालना आपको है, स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका भी स्टीयरिंग, अपनी साइड में आ जाओ, आपकी साइड ये लेफ्ट है, क्लच को पूरा छोड़ दो वरना क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी, अब क्लच दबा के नहीं रखना है, अब क्लच को एकदम फ्री कर दो आप, ठीक है, हाँ जैसे ये गाड़ी है ना थोड़ा सा भी, ये देखिए थोड़ा सा भी वो कर मैडम, इंजन एकदम फ्रेश रखा हुआ है इसका, इस वजह से एकदम फ्रेश इंजन है, अभी सीधा चलना है आराम से धीरे धीरे, आपको कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें संभालना आपको ही है, क्योंकि मेरे पास इसमें कुछ नहीं है, बस आप अगर गलती करेंगी तो फिर टकरा जाएगी, तो इसलिए जहाँ पे आपको ब्रेक चाहिए वहाँ ब्रेक दबाना है, जहाँ पे क्लच लेना वहाँ क्लच लेना है, राइट रखो हल्का, पासिंग डिपर क्यों नहीं यूज़ करती हैं आप, पासिंग डिपर हल्का राइट रखो, हाँ सेम चीज़ है, राइट रखो थोड़ा सा राइट, हाँ जाने दो, अभी देखो सामने रोड आ रहा है तो लेफ्ट का सिग्नल दो, मुझे ना हाँ जैसे अब ये गाड़ी ना एकदम से भाग रही पता तो है, मैम क्लच दबाइए ना, क्लच दबा लोगी गाड़ी, राइट जाना कि लेफ्ट, लेफ्ट
देखिए इतना मतलब जैसे मतलब मैडम आपकी गाड़ी ना इतना नहीं भागती थी, आप समझ वो रहे भी भागती है, वो आपने 10 से 12 दिन चलाई तो उस पे आपकी आदत बन चुकी है। ओके। समझ रहे, जिस चीज को कंटिन्यू करते तो वो हैबिट पड़ जाती है, इसमें आपकी हैबिट नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा है। लेफ्ट का सिग्नल दीजिए। चलो भाई। हाँ मैं चल रही हूँ। हाँ हाँ काटिए, टर्न करो बस धीरे धीरे। चला आप ठीक रही हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा नर्वस हो रही, घबरा, आपके अंदर डर बैठा हुआ, आपके चेहरे से दिख रहा है कि आप डर बहुत ज़्यादा रही हैं। और देखो जितना ज़्यादा आप डरोगे ना उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, और जितना कूल माइंड से चलाएंगी ना उतना अच्छा चला पाएंगी इसको। बस इस मैं आपको एक चीज़ जो मेरा 10-12-15 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डर के आगे जीत है। डरोगे तो फिर भरोगे, नहीं डरोगे तो चलोगे। सो गाइस आप देख सकते हैं श्वेता जी को अभी फाइनली ये आ चुकी हैं ट्रैफिक में, और ये अपनी कार चला रही हैं। हम लोग आ गए हैं विकास नगर चंडेला दूध वाले के पास, और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा आपका रहीम नगर चौराहे, और रहीम नगर से मैं इनको महानगर लेके जाऊंगा। और मेरे पास कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ये 800 है और काफ़ी अच्छी गाड़ी, चली ज़्यादा नहीं है, 15,000 किलोमीटर ही सिर्फ चली है, और काफ़ी अच्छा इंजन भी है इसका। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।